हेलो एवरीवन, आज फंक्शंस में हम एक टॉपिक देख रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करना। लास्ट हमने टॉपिक जो स्ट्रिंग का देखा था, उसमें हमने देखा था स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, साथ में हमने देखा था अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना है तो स्ट्रिंग के फंक्शन का यूज करके हम कैसे बना सकते हैं और विदाउट यूजिंग फंक्शन हम लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अगर फंक्शन का यूज करते हुए आपको किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप कैसे करेंगे, और विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन अगर हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे आईडीई में सी के, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कैसे करेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, देन हम देखेंगे कि स्ट्रिंग फंक्शन के यूज किए बिना कैसे किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h और यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड की है string.h। string.h हेडर फाइल यूज करने का मतलब ये है ताकि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं इनबिल्ट, उन सारी स्ट्रिंग फंक्शंस को हम एक्सेस कर सके। यहाँ पे हमने, चूंकि अभी फिलहाल हमको यूज करना है स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हुए स्ट्रिंग को रिवर्स करना, तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए एक, हमने कैरेक्टर नेम 20 लिया हुआ है जिसका यूज ये है, इसे हमें भाई हटा देते हैं, जिसका यूज है कि हम यहाँ पे नेम नाम का एक एरे बनाए हैं जो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा और उसमें 20 कैरेक्टर्स तक आप कैरेक्टर्स को इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आई और जे की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें, तो इसे मैं भी हटा देती हूँ क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते समय आपको किसी अदर वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने लिखा है एंटर द स्ट्रिंग और गेटर्स के थ्रू हमने स्ट्रिंग को इनपुट किया। अब जब आपकी स्ट्रिंग इनपुट हो गई है तो अब हमको उसको रिवर्स करके डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंट एफ रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू, क्योंकि स्ट्रिंग है परसेंट एस में आएगी, और यहाँ पे ही हम फंक्शन लगा रहे हैं strrevv। ये स्ट्रिंग रिवर्सल की फंक्शन होती है जिसके अंदर जिस भी स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना होता है आपको उस स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ नेम नाम की स्ट्रिंग है, इसे हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे strrevv नाम की फंक्शन लगाई और आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। देखते हैं, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट की, सपोज वेलकम, जो आपने उसको रिवर्स किया तो देखिए पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ई सबसे पहले आ गया और डब्लू सबसे लास्ट। तो ये तो हुआ, जब हमने स्ट्रिंग फंक्शन यूज की तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टली हमारी चीजें जो है वो डिस्प्ले हो गई। बट अगर आपको यूज करना है स्ट्रिंग फंक्शन को के बिना कोडिंग को, तो उसके लिए हमने लूप लगाना पड़ेगा हमें। तो लूप के लिए कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हमने एक यूज किया हुआ है स्ट्रिंग एरे, एक और यूज करना पड़ेगा ताकि आप उसमें रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर करते जाओ। तो सेम साइज की हमने एक और स्ट्रिंग कैरेक्टर यूज कर लिया है str नाम का, जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है i और j लूपिंग के लिए, क्योंकि एक एक करके आप कैरेक्टर्स को उठाओगे, आखिरी कैरेक्टर को उठाओगे और दूसरे स्ट्रिंग के फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करोगे। सबसे पहले हमने लूप लगाया है, आई आई की वैल्यू जो स्टार्ट की है वो है strlen नेम। strlen हमको पता है स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए इनबिल्ट फंक्शन होती है, और चूंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा एक ज्यादा आती है क्योंकि लास्ट में स्लैश जीरो लगा हुआ होता है, तो लेंथ -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 5 है तो वो 6 दिखाएगा क्योंकि लास्ट में स्लैश जीरो लगा हुआ होता है। तो वो लास्ट वेरिएबल से वाली पोजीशन से स्टार्ट करना है हमको, कहां तक जाना है, जीरो पोजीशन तक जाना है, तो लास्ट से जीरो तक आने में एक एक माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट को ओपन किया है फॉर के यहाँ पे क्लोजिंग, और बीच में हमने जो लिया है उसे आप ध्यान देंगे, जे एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू है जीरो, जे पोजिशन बता रहा है इस str की वैल्यू की, कि str के J++ लोकेशन पे, J++ का मतलब होता है पहले जीरो लोकेशन है वैल्यू जाएगी देन इंक्रीमेंट होगा, आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, तो जब हम पहले वैल्यू को str के J पोजीशन पे डालेंगे फिर J की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और वहां पे क्या पुट करना है, नेम ऑफ i की वो वैल्यू, i की वैल्यू अभी क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि आखिरी कैरेक्टर, तो जो भी आखिरी कैरेक्टर है वो इसके पहले str के पहले पोजिशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर हम जब माइनस करेंगे तो
तो अगर पांच स्ट्रिंग की लेंथ है तो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, तो फोर्थ पोजीशन जो है वो फर्स्ट पे स्टोर हो जाएगा, फिर थर्ड पोजीशन जो है वो थर्ड पे स्टोर हो जाएगा, फिर इसका सेकेंड पोजीशन फोर्थ पे स्टोर हो जाएगी, फिर फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन पे पुट हो जाएगी। ये काम कब तक चलेगा? जब तक कि पहले स्ट्रिंग जीरो पे नहीं पहुंच जाता उसका इंडेक्स, यानी आप फर्स्ट कैरेक्टर तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक। जैसे ही आप फर्स्ट कैरेक्टर तक पहुंच जाओगे, str के jth पोजीशन पे आपको स्लैश जीरो लगाना पड़ेगा, फिर ताकि स्लैश जीरो ये इंडिकेट करेगा कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद आपने गेट ch लगाया ताकि आपको आउटपुट विजुअलाइज हो। एक बार करके देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, एंटर करते हैं, ये देखिए आपकी जो नीचे वाली स्ट्रिंग है वो रिवर्स स्ट्रिंग है। तो इस तरह से आप फंक्शन का यूज करके भी रिवर्स बना सकते हैं, फंक्शन का यूज किए बिना भी आप रिवर्स कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।